वहीं कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटियाला का दौरा किया। उन्होंने पीटी उषा गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वहां मौजूद महिला खिलाड़ियों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने खिलाड़ियों से उनके खेल और खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने हॉस्टल में खिलाड़ियों की दी जाने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। ऐसी जो तो मैं आया पटियाला, मेरा स्टेटमेंट याद करियो, तो मैं तुम पहले भी क्या है कि 2027 भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब में सरकार भी बनाएगी, पंजाब में अगे भी बधाएगी, क्योंकि पंजाब के पंजाबीयत के प्रति जो प्रधानमंत्री मोदी जी का प्यार है वो इस इलाके के संगठन के टाइम तो प्रभारी रहे, वो पंजाब के पंजाबीयत को पंजाब की संस्कृति बहुत चंगी तरह जानते हैं। करतारपुर कोरीडोर को खुलवाण का काम कोई नहीं कर पाया प्रधानमंत्री मोदी ने। 550वां गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व बड़ी जोर शोर न मनाया गया। 400वां गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव बड़े सज धज के मनाया गया। हेमकुंड साहब च रोपवे पहुँचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण होया। यही नहीं, साहबजादियां का शहादत देश को याद ही नहीं कराना, आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लैंड दिवस मनाने का काम किन्ने किया है? वीर बाल दिवस किन्ने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जे कोई किसी दी समाज नू संस्कृति नू जानता होएगा तो ही कर सकता है। पंजाब भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता नाल लैंदी है संगठन लई भी ते पंजाब दे विकास लई। 40,000 करोड़ तो ज़्यादा के प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने दिते ने।